हेलो स्टूडेंट्स स्टाइशोमेट्री में नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर मैं आपके सामने यहां डिस्कस करने के लिए हूं इन दिस प्रॉब्लम गिवन डेटा इज विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स कंटेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स ग्राम एटॉमिक मासेस ऑफ बोरोन गिवन है 11 ग्राम और निकल का 58.69 ग्राम ऑप्शन में आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में वन ग्राम ऑफ निकल सॉलिड गिवन है इट मीन मास इज गिवन सेकेंड ऑप्शन वन ग्राम ऑफ कैल्शियम सॉलिड इज गिवन थर्ड ऑप्शन वन ग्राम ऑफ एन इज गिवन फोर्थ ऑप्शन वन ग्राम ऑफ बोरोन सॉलिड इज गिवन तो देखिए क्योंकि मासेस गिवन है तो जैसे वन बाय वन हम सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं नंबर ऑफ एटम्स हमको कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑप्शन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ निकल जो गिवन मास है इट इज वन ग्राम डिवाइड बाय इसका जो ग्राम एटॉमिक मास है इट इज गिवन 58.69 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर तो ये जो आपको रिजल्ट यहां पर देगा ये 0.102 पॉइंट वन की पावर 23 थ्री विच वी ऑल्सो रिटर्न एज वन पॉइंट की पावर 22 ये देखें तो ये आपको नंबर ऑफ एटम्स पता चल गए ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन में आ जाते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन कैल्शियम तो ये ऑब्वियसली गिवन मास वन ग्राम है अगेन ग्राम एटॉमिक मास कैल्शियम का 40 होता है मल्टीप्लाई बाय बायो नंबर की पॉइंट 23 तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स हमको मल्टीप्लाई बाई टेन की पावर ट्वेंटी थ्री विच वी ऑल्सो रिटर्न एज थ्री पॉइंट जीरो देखिए तो इन सभी ऑप्शंस को हमको कंपैरिजन करना होगा ऑप्शन नंबर सी में बिकॉज एन टू मोलिक्यूल गिवेन है तो बेटर होगा यहां पर मैं सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लू तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला जो मोल mole मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली मास वन ग्राम है डिवाइड बाय ग्राम मोलिकुलर मास ट्वेंटी एट ग्राम पर मोल है और मल्टीप्लाई बाय एव नंबर तो 6.02 पॉइंट जीरो की पावर 23 इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम रिजल्ट ये हम देखते हैं 2.15 पॉइंट इंटू की पावर 22 नाउ बिकॉज वन मोलिक्यूल अगर N2 का है तो टू नाइट्रोजन एटम्स हैं तो देयर फोर अगर टू पॉइंट वन की पावर 22 मॉलिक्यूल हैं तो फिर ये हो जाएगा 2 इंटू टू पॉइंट वन की पावर 22 तो अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट 4.3 पॉइंट थ्री इंटू की पावर 22 आ गया ठीक है तो ये आप देखिए इक्वेशन नंबर थ्री नंबर ऑफ एटम्स हमको मिल गए इतने नाइट्रोजन एटम्स हैं और जो लास्ट ऑप्शन गिवन है वन ग्राम ऑफ बोरोन तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम्स आप बोरोन में यहां चेक करोगे तो मास इज वन ग्राम ग्राम एटॉमिक मास इज व्हाट इलेवन ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय एवे नंबर सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं आपको रिजल्ट यहां पर मिलता है 5.47 पॉइंट फोर सेवन इंटू टेन की पावर ट्वेंटी टू ये देखिए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमने देखा यहां 1.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी टू ऑप्शन नंबर बी में हमने देखा 3.01 पॉइंट जीरो वन इंटू टेन की पावर ट्वेंटी टू ऑप्शन नंबर सी में हमने देखा 4.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन की पावर ट्वेंटी टू और ऑप्शन नंबर डी में हमने देखा फाइव पॉइंट फोर सेवन इंटू टेन की पावर ट्वेंटी टू इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछे गए थे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स व्हाट शुड बी योर आंसर आंसर होगा डी डी में लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है तो इसलिए हमको डी के ऊपर टिक करना है क्लियर है स्टूडेंट्स थैंक यू